नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहां स्वागत करता हूं सिंहकोरी एजुकेशन के आप ही के अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, अपने फिजिक्स एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज का दिन जो है बड़ा खास है। दोस्तों, आज की जो क्लास है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जी आज होगा महासंग्राम। किसके साथ? सिलेबस के साथ। आखिर आप लोगों को एक्चुअल वे में पता लग जाएगा कि रियल सिलेबस क्या है, और अगर इस सिलेबस में किसी भी तरीके की कोई कटौती है तो आखिर वो डिडक्शन किस तरीके से हुआ है। और भैया, दूसरी वाली बात ये कि यहां पे मार्किंग की जो स्कीम क्या है, और सर आखिर पेपर का पैटर्न क्या होगा, और सर आखिर पढ़े तो कैसे पढ़े। दोस्तों, इसी चीज को लेकर के आज का अपना बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन यहां पे होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो के साथ में जुड़ चुके हैं तो भैया सबसे पहले तो जो लाइक का बटन दबा दीजिए। और हां दोस्तों, अगर इस मीटिंग में ऐड हो चुके हो, वीडियो से जुड़ चुके हो दोस्तों, तो एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। राहुल चौधरी जी हेलो सर, हीना शर्मा जी हेलो सर। तो हीना जी, राहुल चौधरी जी, आप दोनों का आईजी सिंहकोरी एजुकेशन के अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्त। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंफ्यूजन है ना दोस्तों, ये पिछले साल से ही चला हुआ आ रहा है कि सर आखिर सिलेबस में कोई टॉपिक रिड्यूस हुआ है क्या, सर मैं एनसीईआरटी से पढ़ूं या फिर मैं कोई दूसरे वाली जो बुक से पढ़ूं, या सर अगर मैं किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करता हूं तो सर मेरा क्या होगा, जो है कि सर आप तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इन सभी राज की बातों से पर्दा उठने वाला है। एक बार जल्दी से जो है इस वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दो दोस्तों, एक बार जल्दी से वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए। प्रियांशु बुनकर जी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। प्रियांशु जी भैया आग लगा रहे हैं लगातार चैनल के साथ, अपना पूरा सपोर्ट बरकरार रखते हुए। क्या बात है प्रियांशु जी, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सर, आज की सभा का शुभारंभ किया जाए। तो दोस्तों, आज की डेट में हम लोग यहां से जो है डिस्कशन करेंगे, वो होगा भैया जो सीबीएसई का अपने पास 12th का जो लेटेस्ट सिलेबस आखिर किस तरीके से है, क्योंकि जी सीबीएसई ने यहां पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस बार जो बोर्ड के पेपर होंगे दोस्तों, वो अपने पास दो बार होने वाले हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, दो बार, और दोनों ही बार में अपने पास यहां पे हाफ सिलेबस आने वाला है। और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा डाउट भी यही आता है कि सर ये पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो दोस्तों, ये जो चीज है टोटली कंडीशनल है, क्योंकि अगर कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, तो अगर दोस्तों कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है तो दोस्तों इस बार एग्जाम कैंसिल बिल्कुल नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, इस बार सीबीएसई ने अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, वो लोग अपने एग्जाम यहां कैंसिल नहीं करने वाले हैं। तो जी यामिनी गौतम जी, गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ यामिनी जी, आपका भी यहां पर स्वागत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि इस बार सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। तो बच्चों, वो बच्चे नींद से जाग जाए जिन्हें ये लगता है सर इस साल भी बोर्ड जो है एग्जाम कैंसिल कर देगी, सर जी वैसे ही हमें पास कर देगी, ना भैया ऐसा नहीं करना पड़े। इसलिए यहां पर टर्म वाइज एग्जाम के पैटर्न को अडॉप्ट किया गया है, शेड्यूल में अपडेट किया गया है। के स्टार जी गुड मॉर्निंग सर जी। हां दोस्त, गुड मॉर्निंग जी। के स्टार जी हमारे पास यहां पे चिन्मय भैया, तो चिन्मय जी आपका यहां पर स्वागत है। देखिए भैया, मैं आपको पहचान गया, ठीक है। अच्छा सर, तो सर इस बार आखिर नया क्या ऐड हुआ है, इस बार आखिर नया क्या ऐड हुआ है? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर जी वो क्या कि जो सीबीएसई है अपना जो एग्जाम एक बार में कंडक्ट नहीं करवाएगा, इसको जो है दो पार्ट्स में यहां पे स्प्लिट कर दिया गया है। और जो दोस्तों अपने पास दोनों पार्ट्स निकल करके आते हैं, वो दोस्तों आते हैं नंबर वन आप लोगों का होगा टर्म वन, और दोस्तों नंबर दो होगा यहां पर टर्म टू। अच्छा सर, तो ये टर्म वन और टर्म टू में आखिर यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकेश शर्मा जी गुड मॉर्निंग सर। यार जो भी नए दोस्त जुड़ रहे हो ना, एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से अपडेट कर दो कि भैया सीबीएसई के सिलेबस का आगाज पूरा एकदम फुल टू यहां समझाया जाएगा, क्या आखिर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम की डेट क्या है, और आखिर सिंहकोरी एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म अपनी बातों को लेकर किस तरीके से आखिर प्रिपेयर है, किस तरीके से सिंहकोरी एजुकेशन की पूरी टीम ने भैया कमर कस ली है कि चाहे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन
आ जाए, चाहे assertion reason वाले आ जाए, चाहे से case study वाले questions आ जाए, बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें पढ़ने में पूरी तरीके से मजा आना चाहिए। सर हिंदी में फिजिक्स नहीं पढ़ाते क्या? बेटा यहां पर दोनों की दोनों लैंग्वेजेस में फिजिक्स पढ़ाई जाती है। आप इसी जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इजीली चेक कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यहां पर दोनों ही लैंग्वेजेस में यहां पर बैचेस जो पैरेलल रन किए जाते हैं। ठीक है, के स्टार चैप्टर 3 कब चलेगा? जी हां जल्दी चलेगा। तो बेटा चिन्मय जी पढ़ने से पहले समझ लो कि आखिर क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक प्रिफर करनी है, किन क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है और किन बातों को हमें इग्नोर करना है। तो भैया करें शुरुआत। ठीक है सर जी, करते हैं। तो जी ये रहा टर्म 1 और दोस्तों ये रहा टर्म 2। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, सर सबसे पहली चीज कि ये जो एग्जाम होगा ये टोटली बिलोंग करेगा एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विनय दोरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं और जी लगातार आग लगाते हुए, क्या बात है विनय जी, आपका यहां स्वागत है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो टर्म 1 में अपने पास जो पेपर होगा वहां पर होंगे एमसीक्यूज। तो अब बच्चे सोचते हैं सर तो क्या हो गया, चार ही तो ऑप्शन है जय माता की बोल के, और सर किसी भी एक ऑप्शन पे टिक कर दूंगा, पूरे साल भर पढ़ने की जरूरत क्या है। तो बेटा रुक जाओ, सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं है, और भैया किसी भी एक ऑप्शन पे तुक्के में काम कर लेने से जो उसके सही जाने की प्रोबेबिलिटी 25% ही है, आपके गलत जाने की प्रोबेबिलिटी 75% है। क्या है? 75%। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब सुनो, नंबर 1 जो यहां पर होगा वो होगा एमसीक्यू, नंबर 2 बच्चों यहां पर आएंगे असर्शन रीजन। क्या दोस्त? असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। दोस्तों ये भी एमसीक्यूज होते हैं लेकिन यहां पे दो बातें बोली जाती है। नंबर 1 असर्शन यानी कोई स्टेटमेंट, कोई एक बात, कोई एक प्रिंसिपल ऐसा बताया जाता है, और सेकंड जो है वो उसका रीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सेकंड वाला सही भी हो सकता है, सही होकर के फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर भी सकता है और सही होकर के भी फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस तरीके से दोस्त यहां पर 5 ऑप्शंस यहां पर बनते हैं। जी हां दोस्तों, एमसीक्यू में कितने ऑप्शंस होंगे? सर जी 4 ऑप्शन, सर जय माता की बोल के काम चला लूंगा। तो दोस्तों यहां पर बेटा ये पूरा का पूरा अपने लॉजिकल, क्या सर? लॉजिकल अप्रोच के ऊपर क्या है? बेस्ड है। लॉजिकल अप्रोच के ऊपर क्या है? बेस है। तो दोस्तों यहां पर कितने ऑप्शन बनते हैं? दोस्त यहां पर 5 ऑप्शन बनते हैं। सर एक सही होगा कि 2? अरे बेटा ये सिंगल करेक्ट वाले होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल करेक्ट वाले। अब देखो 2 पार्ट हो गए। देखो मैं अभी बात कर रहा हूं सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, आखिर एग्जाम की स्कीम क्या है, सिलेबस का डिविजन किस तरीके से है, कौन कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है, और हां दोस्तों आखिर हमें जो है किस तरीके की स्टडी की अप्रोच को अडॉप्ट करना है, किन बातों को हमें इग्नोर करना है। ठीक है दोस्त। अच्छा तो सबसे पहले कि भैया ये जो लॉजिकल अप्रोच वाले, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों यहां पे 5 ऑप्शन आने वाले हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या सर? यहां पे केस स्टडी। क्या? केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब सर ये केस स्टडी क्या होती है? देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात, आप लोग चाहें तो भैया अपनी जो फिजिक्स की जो भैया सबसे फर्स्ट क्लास हुई थी, जी हाँ दोस्तों आप लोगों को एक और काम की बात बता दूं, ये लेटेस्ट अपडेट बाद में आया था सीबीएसई की साइट से, लेकिन उसी स्कीम से चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंकोरी की जो एजुकेशन की जो पूरी की टीम है वो भैया उसी पैटर्न पे बच्चों को पढ़ा रही थी, एजुकेशन डिलीवर कर रही थी। और दोस्तों इस बात का जीता जागता सबूत मैं तो कहता हूं कि फिजिक्स का जो है फर्स्ट वीडियो ही जाकर के देख लो। मैंने उस दिन फर्स्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां पर दिया था, डेविड डैनी जी, हेलो सर जी, हाँ डेविड जी कैसे हैं जी आप, काफी स्टाइलिश जी आपका नेम है, क्या बात है। तो दोस्तों मैंने तुम्हें बताया था, सर जी आखिर ऐसा क्या बता दिया? बेटा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, क्या? कि सर एक बच्चा है, उस बच्चे के पास 5 आइडेंटिकल क्या है, बॉल्स हैं। कैसे? 1 2 3 4 और 5।
सही है कि नहीं, इन पांचों पर हो सकता है चार्ज हो या नहीं हो। अब जब वो बच्चा बॉल नंबर वन और टू को एक दूसरे के पास लेके जाता है तो अट्रैक्शन होता है। इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरा एक केस बना करके आप लोगों को क्वेश्चन दिया था जिसके भैया कुल मिला के चार ऑप्शन थे कि नहीं। तो भैया सेम अप्रोच पे सेम इसी तरीके से आप लोगों के पास में नए क्वेश्चन आप लोगों को केस स्टडी वाले सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। केस स्टार यानी कि चिन्मय जी, सर आरबीएसई सिलेबस भी बताओ। हाँ दोस्त, अब इसी राज से तो पर्दा उठाना है, चाहे राजस्थान बोर्ड को बिलोंग करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश को या तेलंगाना को, कहीं को भी बिलोंग करते हो। देखो दोस्तों एक बात बिल्कुल, ये चीज आप मेरी माफ कर लीजिए, बिल्कुल हाँ, मैं इस चीज के लिए पूरा कमिट यहां पे करना चाहता हूं बिल्कुल चैलेंज के साथ कि जो बाकी जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सुन लो देखो बहुत ध्यान से कि जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो पूरे तरीके से आपके एनसीईआरटी या फिर बोले तो आपके सीबीएसई के करिकुलम को ही फॉलो करने वाले हैं। तो भैया ये चीज मान के ले लीजिए, ये चीज लिख करके ले लीजिए कि जो भी सीबीएसई करेगा वैसे ही तैयारी स्टेट बोर्ड्स को भी करनी पड़ेगी अगर कोरोना के खिलाफ तैयार रहना है तो, अगर बच्चों की पढ़ाई को किसी भी तरीके से इंटरप्ट नहीं करना तो। यार वरना तुम खुद सोचो, कंट्री तो एक है और सर जो स्टेट्स हैं सर वो तो बहुत सारे, सर वो 30-32 से भी सर वो तो ज्यादा हैं। तो अगर सभी लोग अपनी अलग अलग पॉलिसी बनाएंगे तो दोस्त काम कैसे चलेगा। इसका सबसे सिंपल जो है एग्जांपल यही है कि आरबीएसई भी अब एनसीईआरटी पैटर्न को सीबीएसई पैटर्न को ही अडॉप्ट करने वाला है। तो जी रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेखा जी आपका यहां पर स्वागत है। जो है यज्ञेश जो है 1+1 कितना होता है दोस्त? यार ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन है भैया, ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, इसके लिए तो दोस्त कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा भैया। रुक जाओ पहले सिलेबस समझा दूं। देखिए भैया इन भैया का ये क्वेश्चन था कि 1+1 कितना होता है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन क्या है बहुत ही टफ है, इसके लिए जो है सुपर कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखो अब ये स्टेट बोर्ड हो चाहे कोई सा भी, ये लोग एनसीईआरटी सीबीएसई के पैटर्न को ही जी यहां पर फॉलो करने वाले हैं। तो जी अब चलते हैं जी आगे, अब चलते हैं जी आगे। इसे देखो ये वाला पैटर्न हुआ, हां जी सर हुआ हुआ। अच्छा अब देखो तीन तरीके के यहां पे अभी टर्म वन में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पेपर जो आखिर सर टोटल कितने मार्क्स का होगा, तो दोस्तों वो होगा पूरे 35 मार्क्स का। दोस्त कितने का? 35 मार्क्स का। और हां दोस्तों यहां पे 15 नंबर और ऐड किए जाएंगे। अब जब मैं ऐड किए जाएंगे तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो नंबर फ्री में आ जाएंगे। तो सर आखिर 15 नंबर किस चीज के होंगे? तो जी केस स्टार जी, ओके सर। तो सर आखिर 15 नंबर किस चीज के होंगे? तो दोस्तों ये वाले होंगे आपके इंटरनल, क्या? इंटरनल असेसमेंट के काम के, किसके? इंटरनल असेसमेंट के काम के। अब सर आखिर ये क्या होता है? तो दोस्तों यहां पर आएंगे आपके प्रैक्टिकल्स, क्या दोस्त? प्रैक्टिकल्स। तो हां दोस्तों अगर तुम्हें ये 15 के 15 नंबर पूरे चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिकल की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। पर सर प्रैक्टिकल तो स्कूल में करने होंगे, और सर जी स्कूल तो बंद है, सर जी अब मुझे प्रैक्टिकल आखिर कौन समझाएगा? अरे दोस्तों इस बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि भैया अपन लोग जो है फटाफट से टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट करके साथ ही साथ रिविजन की क्लासेस भी यहां पर चलाई जाएगी, साथ ही साथ यहां पर पूरी मॉक टेस्ट सीरीज। यहां दोस्तों यही तो आज का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, क्या? कि जो मॉक टेस्ट जो सीरीज है वो भी भैया पैरेलल रन की जाएगी, और साथ ही साथ बच्चे को एक एक एक्सपेरिमेंट यहीं पर जो है लाइव परफॉर्म करके जरूर से बताया जाएगा। शशांक मिश्रा जी हाय सर, क्या बात है? रेखा शर्मा जी हेलो सर, कैसे हो आप? रेखा जी मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी होंगे, ठीक है। दोस्तों ये क्या है स्कीम के भैया टोटल कितने मार्क्स का हुआ? सर जी ये हुआ पूरे 35 नंबर का, लेकिन सर यहां पर जो है प्लस 15 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट जिसमें कि टोटली प्रैक्टिकल्स हैं, आखिर वो भी ऐड किए जाएंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए तो भैया अलग से आप लोगों को जो कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, अभी जो अपना प्राइम फोकस है वो है अपने 35 मार्क्स के ऊपर। कितने के ऊपर? 35 मार्क्स के ऊपर। सर एक क्लास नहीं होगी क्या? अरे दोस्त क्लास भी
आपकी होगी, लेकिन रुक जाओ, सबसे पहले सिलेबस को तो समझ लो कि आखिर जिस रास्ते जा रहे हो आखिर उस रास्ते में क्या क्या आता है पहले समझ के तो जाते हैं ना, सही कि नहीं। जैसे मान लो भैया कोई आदमी पिकनिक पर जा रहा है, तो पिकनिक पर जाने से पहले वो तैयारी करता है कि भैया बीच में रेस्टोरेंट कहां पड़ेंगे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आखिर कहां कहां रुकना पड़ेगा, और आखिर ये रास्ता कैसा है, सर यहां पे टोल टैक्स कितना लगता है वगैरह, और काफी सारी चीजों की हमें नॉलेज होना जरूरी होती है, तभी उस रास्ते पर जर्नी में मजा आता है। इससे भैया पढ़ते तो रोज ही है, आज इस काम के ऊपर भैया फोकस कीजिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर सीबीएसई ने यह बात अडॉप्ट कर ली है तो गारंटी से जो भी स्टेट बोर्ड्स होंगे उनको भी ये चीज अडॉप्ट करनी होगी, तभी जाकर के वो कोरोना के खिलाफ बच्चों की एजुकेशन को पूरे तरीके से मजबूती से खड़े रख सकते हैं। ठीक है दोस्त। अच्छा सर, शशांक जी, सर आपने कल हम लोगों की क्लास क्यों नहीं ली? अरे दोस्त, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए भैया, जिंदगी में क्या है, कभी कभार बहुत सारे जरूरी भी काम आ जाते हैं, उनको भी करना पड़ता है, लेकिन कॉन्टेंट से किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कल जो नहीं पढ़ाया आज जो पढ़ाएंगे मिला करके एक साथ लंबी क्लास मैराथन में आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो भैया इस चीज को दिमाग में सेट करो। सही है, ये भैया 35 नंबर का होगा। अब सर ये बताओ कि फर्स्ट टर्म में मुझे कौन कौन से आखिर मेरे चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देना है? तो भैया सब पर ही देना है, लेकिन रुक जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुल मिला के अल्टीमेटली अब तक जो है अपने पास फर्स्ट टर्म में कुल मिला करके दोस्त ये 7 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से अपना जो चैप्टर नंबर 1 और दोस्त चैप्टर नंबर 2, देखो एक बार सर कलर चेंज करो सर ताकि मुझे अच्छे से दिखे, बेटा बिल्कुल से करेंगे, तो यहां समझ लो कि अब तक हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 को फटाफट से भैया यहां पर फिनिश कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर जो है ओनली 10-20% ही पेंडिंग है, अभी गिनती की आने वाली 2-3 क्लासेस में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट चैप्टर है, सही है, और फिर इसी के साथ में जो आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों यहां पर ये 1, ये 2, ये 3, तो बेटा कितने चैप्टर्स हुए? 3 चैप्टर्स टोटल मिलाकर के 17 नंबर के सर, 17 नंबर के। अब सर जी 35 नंबर का तो पूरा पेपर ही है, 35 नंबर का पूरा पेपर ही है, उनका जो अपने पास ऑलमोस्ट 50% कंटेंट तो आखिर यहीं से आने वाला है। शशांक जी ओके सर, शशांक जी तब तो आज मजा आएगा, बट आप 45 मिनट से क्लास ज्यादा नहीं लेते हैं, तो बेटा उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, आज उन कारणों को भी हटा देंगे। ठीक है, अभी बात केवल अपने सिलेबस के बारे में यहां पर होगी, अपने सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस के बारे में, और यही पॉलिसी हमारे स्टेट बोर्ड्स भी अडॉप्ट करने वाले हैं, और आरबीसी ने तो ऑलरेडी इस चीज को एकदम चुपचाप जो इसको एडमिट कर भी लिया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोस्तों आपको जरूर से जल्दी से मिल जाएगा, बाकी बोर्ड्स भी अपना अपना अनाउंसमेंट कर देंगे। अब सर जी आगे चले। जी हाँ, तो दोस्तों अपने पास ये 3 चैप्टर हो गए। अब बच्चे सोचते हैं यार 3 चैप्टर कराने में ही जो 2-3 महीने निकल गए तो फिर आखिर बाकी के 4 चैप्टर में तो पूरा मार्च आ जाएगा। ना ना भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर थे ये थोड़े लेंदी चैप्टर है। क्या है? थोड़े से लेंदी चैप्टर है। बाकी जो चैप्टर है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में बाकी चैप्टर्स जो है सिंपल भी हैं और थोड़े छोटे चैप्टर्स भी हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों करना क्या है, जो प्यार आप लोगों ने स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर में यहां पर दिखाया है सेम एनर्जी के साथ, मैं तो कहता हूं उससे ज्यादा एनर्जी के साथ भी पूरे सेशन में जुड़े रहने की जरूरत है। तो भैया इस तरीके से शशांक सर हम लोगों का भी डिस्कशन कर लीजिएगा किसी दिन। अरे दो जरूर से करेंगे, आखिर आप लोगों के साथ में भाई अन्याय क्यों करेंगे, भैया किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होगा, सभी के साथ में यहां पर न्याय होगा। ठीक है, तो बेटा अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सर, ये है देखो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों इन लोगों ने यहां पर क्या किया है कि भैया 2-3 चैप्टर्स को देखो भैया, ये है अपने पास यूनिट का नाम, और इस यूनिट में अपने पास दोस्तों ये 2 चैप्टर है, जिसमें से जो ये 5th नंबर का चैप्टर है, जी हां दोस्तों आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, सबसे खास बात इसका जो भी कॉन्टेंट था
कब, कौन सा वाला? पुराना वाला। अच्छा हाँ दोस्तों, एक और बात सर, ये पुराना और नया क्या है सर आखिर सिलेबस? तो दोस्तों जब कोरोना आया था तो सीबीएसई ने अपने सिलेबस को पहले ही रिड्यूस कर दिया था। जी हाँ, सबसे खास बात, सीबीएसई ने अपने सिलेबस को पहले ही रिड्यूस कर दिया था। तो जो रिड्यूस सिलेबस पिछले साल था, वो का वो रिड्यूस सिलेबस इसी साल भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन हाँ, पूरे सिलेबस के दो डिविजन कर दिए, टर्म वन एंड टर्म टू। सही है। अच्छा दोस्तों, इस चैप्टर की खास बात कि पुराने जमाने में जो भी एनसीईआरटी में चैप्टर था उसमें से केवल 25% मामला ही इस बार अपने सिलेबस में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में होने वाला है। और दोस्तों ये जो हमारे पास मूविंग चार्ज था, तो दोस्तों यहां पर क्या, अरे सिंपल सी बात यार भाई, तुम लोग 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तो भैया जरूर से पढ़ के आए होंगे ना। तो भैया उसी का थोड़ा सा जो है एक्सटेंडेड वर्जन, उसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को यहां पे पढ़ने को मिलेगा। यानी टॉपिक वही, पुराने वाले, उनका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, और भैया वो भी रिड्यूस फॉर्म में। थोड़ा अब यहां पे काम स्पीड से चलेगा। क्या चलेगा? स्पीड से चलेगा। अच्छा ये बात है। तो शशांक मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए और साथ में आग भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करो, तभी इतने सारे जो बच्चे हैं उनके जो दुख है, उनकी दुविधाएं हैं, उनके जो डाउट है, कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें, ये सब दिक्कतें एकदम पूरे तरीके से सिंहकोरी एजुकेशन का हमारा ये प्लेटफॉर्म, आपका अपना ये प्लेटफॉर्म, इन दिक्कतों का समाधान लेके, सोल्यूशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर है। जी मुझे रॉबिन सिंघानिया जी लगातार बने हुए जो साथ में आग भी लगा रहे हैं, रॉबिन जी आपका भी यहां पर स्वागत है। तो दोस्तों अब देखो आगे चलते हैं। आगे क्या फिर सर, ये नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो दोस्तों देखो ये है यूनिट, यहां पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई। भाई सीधी सी बात है, तुमने आके 10th क्लास में पढ़ा था कि करंट का यानी किसी वायर में से धारा को प्रवाहित करवा दो तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस चैप्टर में क्या है, उल्टा। क्या है? उल्टा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यानी कि चुंबक होगा और कुछ अरेंजमेंट करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दोगे। जी हाँ दोस्त, एकदम सेम कॉन्सेप्ट ही यहां पर होने वाला है। तो सुमन मीना जी, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ सुमन जी, आपका भी यहां पर स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का लेटेस्ट करिकुलम, आखिर हमें करना क्या है। अब सर जी, जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। अब सर यहां पर क्या दोस्तों, अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और दोस्तों इसी पार्ट के ऊपर आप लोगों को सिंहकोरी शॉर्ट के ऊपर जो है फिजिक्स में एक जो शॉर्ट कंटेंट वहां पे जो निकोला टेस्ला का वो भी बनाया हुआ मिल जाएगा कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट ने अपन सबकी जिंदगी को बदला। तो उसी चमत्कार के ऊपर जो है बेस्ड है टोटली अपने पास अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी वाला चैप्टर। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि शुरुआत के दोनों चैप्टर में टाइम लगा है, क्योंकि यार दोनों चैप्टर लेंथी थे। आगे जैसे जैसे चलेंगे चैप्टर और छोटे होते जाएंगे, यानी कि अब उतना टाइम नहीं लगेगा। तो सिमरन खंडेलवाल जी, गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है सिमरन जी, आपका भी यहां पे स्वागत है। रॉबिन सिंघानिया जी, बिल्कुल सर, अरे वाह दोस्त वाह, हैं आपके म्यूचुअल जो है अग्रीमेंट के लिए बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा अब चलते हैं जी आगे कि सर एक बात बताऊं, क्या कि सर आखिर आप सिलेबस कब तक खत्म करवा देंगे? हैं जी, आखिर आप यहां पर सिलेबस कब तक खत्म करवा देंगे? अब सर जी इसके ऊपर से भी मैं अभी पर्दा बिल्कुल सरकाने वाला हूं और जी आप लोगों को बताने वाला हूं कि सर आखिर सिलेबस कब तक होगा। तो भैया सबसे बड़ा आगाज क्या जी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जी हाँ यही तो बात है, जो लोग सही में मेहनत करते हैं ना, लगातार दिन रात अपना काम करते हैं। और भैया तभी तो भैया यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोहा भी है कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। सही है कि नहीं? तो आप लोग को भी उसी तरीके से बनना है। अब सर सबसे जरूरी सवाल कि सर जो भी टर्म वन का सिलेबस है आखिर सर इनका एग्जाम कब होगा, है ना? और सर आप सिलेबस कब तक खत्म करवाओगे, और अगर जल्दी खत्म करवा दोगे तो इस बीच के गैप में क्या करोगे, क्या हमें खाली छोड़ दोगे? ना ना भैया, खाली तो किसी को बैठने ही नहीं देंगे। तो अब सुनिए भैया, आप लोगों का जो सिलेबस है गारंटी के साथ, क्या है गारंटी के साथ, आप लोगों का जो सिलेबस है सितंबर तक या सितंबर अक्टूबर में भैया पूरे तरीके से खत्म करवा
करवा दिया जाएगा क्या सितंबर में, या मतलब जो है सितंबर के एकदम आखिरी तक, सही है। तो टिल एंड ऑफ सितंबर आप लोगों का पूरा का पूरा जो टर्म वन का जो सिलेबस है वो पूरे तरीके से खलास कर दिया जाएगा, क्या एकदम खत्म। फिर सर जी एग्जाम कब होंगे, क्या सर जी अक्टूबर में एग्जाम है। अरे भैया लोग जो है नए नए मिथ फैला रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं, लोगों में झूठ का प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर सेप्टेंबर में टर्म वन हो जाएगा। दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपका टर्म वन है ना, टर्म वन जो है और भैया इसको लेकर के सारे जो है जो कंफर्म अपडेट्स भी हैं वो यही बता रहे हैं कि जो नवंबर मिड से लेकर के दिसंबर मिड तक आप लोगों का ये फर्स्ट टर्म खिंच सकता है, यानी इसी स्लॉट के बीच में होगा, नवंबर से पहले टर्म वन हो ही नहीं सकता है, सही है कि नहीं। तो दोस्तों यानी कि हमारे पास में बहुत सारा टाइम है। वेयर आर यू सर? अरे दोस्त जी मैं तो यही हूं। शशांक मिश्रा जी सर खाली वाले दिन गए, अब मेहनत के दिन आए। हाँ भैया खाली वाले दिन गए, दोस्त लोग क्या है पिछले लॉकडाउन में एकदम ठंडे दिमाग से बैठे थे, सही कि नहीं, पढ़ाई नहीं करी। अब सर जी जोर आता है, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत और, या बिलोंग करते हैं जिसके जो है आप भी क्या है वासी है, सही है कि नहीं। ओके तो दोस्तों जो बचे हुए 45 दिन है सर जी आखिर इनमें क्या करेंगे, तो भैया इनको लेकर के भी सिंहकोरी एजुकेशन की टीम रात दिन यहां पे काम कर रही है। और हाँ दोस्तों अभी से एडवांस में मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक ऐसा तैयार किया जा रहा है जिस सिस्टम पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली MCQs जो केस जो स्टडी वाले क्वेश्चन थे या फिर जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे उस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। और दोस्तों खास बात ये कि जो प्लेटफॉर्म होगा वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI ऊपर बेस्ड प्लेटफॉर्म से आप लोगों की CBSE के एग्जाम की बोर्ड एग्जाम की भैया धमाकेदार से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो भैया अपन लोग क्या करेंगे, जैसे ही सिलेबस खत्म करेंगे भैया वन शॉट रिविजन क्लासेस चलेगी, क्लासेस के तुरंत बाद या अगले दिन या जब भी वहां पर शेड्यूल बनेगा तुरंत बाद उसका जो है लाइव आप लोगों के सामने ही आप लोगों के टेस्ट भी भैया कंडक्ट करवाए जाएंगे। वो टेस्ट आप लोग लाइव जो है वीडियो में आकर के भी आप लोग यहां पे दे सकते हैं या फिर आप लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के भी उन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो भैया ये थी सबसे खास बात कि 45 दिन खराब नहीं जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को बच्चों यहां पर जो प्रैक्टिकल से जो रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी भैया यहीं पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एक एक प्रैक्टिकल भैया यहां पर समझा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट टर्म की स्कीम। अब सर जी ये बताओ ना कि सर आखिर मैं पढ़ूं कैसे, क्योंकि सर अब तक सर मेरा बचपन सर कैसे गुजरा है, सर मेरा बचपन ऐसे ही गुजरा है कि सर मैं चैप्टर पढ़ता था, थोड़े बहुत क्वेश्चन करता था और सर थ्योरी वाले क्वेश्चन ही सर मेरे एग्जाम में आते थे और सर कुछ एक क्वेश्चन करके और मैं पास हो जाया करता था। तो दोस्त अब जमाना बदल गया है, जमाना कैसे बदल गया है कि अपने पास टोटली MCQs यानी कि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सर जी ये नई चीज क्या होती है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात, राहुल चौधरी जी बिल्कुल सर, कविता जैन जी यस सर, हीना शर्मा जी यस सर, तो भैया जितने भी दोस्त यहां पर जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दे। जी हां दोस्तों मैं बराबर से यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि बच्चे लाइव वीडियो में आ रहे हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबा रहे। दोस्त इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है, दिल को एकदम खुला रखिए, दिल को बंद मत कीजिए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। वर्मा सर फंगस सर फिजिक्स हमको ना ही आता, तो दोस्त ये तभी आएगी जब रेगुलर इस चैनल के साथ में जुड़े रहोगे, क्योंकि देखो सुनो, माना कि अपने को कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है और अपन उसको टफ सोच करके कि भैया कहीं पर एकदम मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है अपन वहां भी ध्यान नहीं देंगे तो भैया फिर तो जिंदगी भर ही टफ बना रहेगा। दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं और भैया यही वाली बात कल मैंने मेरी ऑफलाइन जो क्लासेस है वहां पर भी एज इट इज बताई थी। सर जी आखिर क्या बात थी, वो ये बात थी कि भैया जिंदगी में कुछ भी सर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अरे पहले सुनिए तो सही, क्या कि जिंदगी में कुछ भी नथिंग कुछ भी
आसान नहीं है। सर यानी कि मेरे घुटने छिल जाएंगे। अरे रुको तो सही, पहले पूरी बात तो सुन के जाइए। कनिष्का गुप्ता जी गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है कनिष्का जी, आप इस चैनल के ऊपर आई, आपका भी यहाँ पे स्वागत है। प्रियांशु बुनकर जी सर ये टेस्ट मेरे कंपटीशन में काम में आएगा क्या? अरे भाई क्यों काम में नहीं आएगा, जब दुनिया ही बदल गई है तो भैया तुम्हारा कॉम्पिटिशन में भी यही तरीका काम में आने वाला है। तो भैया सबसे जरूरी बात क्या, जिंदगी में कुछ भी आसान है नहीं, नहीं है। क्या है, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। तो क्या सर मेरे घुटने चल जाएंगे? अरे रुको, अब अगली लाइन सुनो क्या, कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरे सर क्या बात कर दी सर, मौज कर दी सर मौज, मुश्किल नहीं है। यानी भैया अगर जिंदगी को सही तरीके से जीना है तो इन्हीं दोनों बातों को अपने दिमाग में सेट कर लो कि लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है और भैया कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सर लोगों को आखिर क्यों कुछ सब्जेक्ट इजी लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है टफ लगते हैं? ये भैया सारा का सारा खेल है मेंटेलिटी का। आपने अपने दिमाग को ये फीड करवा लिया, अरे ये तो सिंपल है रे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज सिंपल हो जाएगी। आपने अपने दिमाग को बोल दिया अरे फिजिक्स तो टफ है रे, तो भैया ऑटोमेटिकली टफ हो जाएगी। तो बल्कि फैक्ट क्या है कि ना तो कुछ भी आसान है और ना ही कुछ चीज मुश्किल है। सही है कि नहीं? कनिष्का गुप्ता जी ओके सर, वर्मा जी कर लिया है, यानी कि अरे क्या बात है वर्मा जी, आपने जो चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच दोस्त। तो अब देखो आगे की बात कि सर आपने बता दिया कि सर जो है मल्टीपल जो चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे, अब सर उनके लिए मैं कैसे करूं, क्या सर मैं बुक्स बदल दूं, कोई नई बुक्स ले आऊं? अब देखो इन चीजों से पर्दा हम लोग उठाते हैं। तो टीना सिंह जी यस सर क्या बात है, जो है टीना जी आपका भी इस वीडियो के ऊपर यहां पर स्वागत है। कनिष्का गुप्ता जी लगातार बनी हुई है जी, और जी आग भी लगा रही है। तो कनिष्का जी, टीना जी, वर्मा जी, विनय दुरिया जी, जो बाकी जो भी लोग जुड़े हुए हैं यार, एक बार इस वीडियो के लिंक को यार दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन, फ्री ऑफ एजुकेशन इजीली पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों इन सभी चीजों की अपनी कंट्री में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सख्त जरूरत है, और सिंहकोरी एजुकेशन की जो टीम है उन्हीं लोगों के लिए दिन रात यहां पर मेहनत करना चाहती है। ठीक है कि नहीं? ओके टीना सिंह जी यस सर जी क्या बात है, मेरा कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी आसानी। अब सुनो क्या सर, आप तो सिलेबस बता रहे थे सर जी, कहां पे आ गए सर, मैं कैसे पढ़ूंगा? अब देखो सुनो, आखिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अब पहली चीज, जो सीबीएसई है इसने पेपर का पैटर्न अब तक डिस्क्लोज नहीं किया है। फिर सर जी आखिर आप क्या बताओगे? बेटा गारंटी से बताऊंगा और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट बात बताऊंगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। एक छोटा सा डेमो हो जाए, सर क्वेश्चन के नाम से डर लगता है, अरे बेटा रुको, क्या मालूम क्वेश्चन लड्डू हो। सर लड्डू पसंद नहीं है तो भैया मावा समझ के खा लेना, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो कनिष्का गुप्ता जी सब आग लगा दो रे। जी हाँ दोस्तों सब आग लगा दो, और जी आग तभी लगेगी जब आप सभी जो है अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं इस चैनल के साथ में ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़ने वाले हैं। सही है? अच्छा अब सर मैं कैसे पढ़ूं? देखो भैया एक छोटा देखो क्वेश्चन, जैसे कि आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। अब सर क्वेश्चन लिख दिया, सर जी मैं तो जा रहा हूं, सर मैं तो सिलेबस यहां देखने आया था। सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन का भैया पैटर्न तो देख लो, लेवल तो देख लो। अच्छा सही है कि नहीं? तो लोकेश शर्मा जी पार्टी के मूड में और साथ में आग भी लगा रहे हैं, और भैया क्या बात है चैनल को मोटिवेट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लोकेश जी आपके अप्रिसिएशन के लिए। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भैया एनी ऑब्जेक्ट कैन बी charged, any object can be charged। सर मैं हिंदी मीडियम का हूं, तो भैया सुन लो कि किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। अब भैया चार ऑप्शन दे दिए, कितने? चार ऑप्शन दे दिए। नंबर वन क्या दिया? श्रुति जी लगातार यहां पर बनी हुई। श्रुति जी सबसे पहले तो मैं आपका यहां पे स्वागत करना चाहता हूं। मयंक जी गुड मॉर्निंग सर, कनिष्का गुप्ता जी यहां पे आग लगा रही लगातार, क्या बात है दोस्तों, आपका उत्साह आपकी एनर्जी यहां देखते ही बनती है। सही है? अब देखो सर क्वेश्चन का लेवल कैसे आएगा, क्या कि एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज, और दोस्तों तुम्हें चार ऑप्शन दे दिए, नंबर वन क्या दिया कि ओनली By delivering क्या protons, यानी कि protons को क्या कर दो, deliver कर दो। दूसरे अंकल क्या बोलते हैं कि by exchange of neutron है ना, और वो तीसरा ऑप्शन क्या कि by loss
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भैया चौथा ऑप्शन क्या कि बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों का दिमाग खराब कि सर जी यहां पे हिंदी मीडियम जी यहां जरूर से हिंदी मीडियम, दोस्तों यहां पर दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। दोस्त क्वेश्चन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी वस्तु को किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं, ऑप्शन ए कि उसको प्रोटॉन देकर, ऑप्शन बी कि न्यूट्रॉनों का आदान प्रदान करके, ऑप्शन सी कि चाहे इसे इलेक्ट्रॉन दे लो या उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, और भैया चौथा ऑप्शन क्या है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पाकर। तो चारों ऑप्शन में से अगर आपको सही ऑप्शन पिक करना है कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, तो सर जी कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट बच्चे क्या करते हैं डेरिवेशन समझ लेंगे, बच्चे क्या करते हैं न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, लेकिन जो इस बीच में जो मैं वर्ड टू वर्ड कई बातें बताता हूं वर्बली भी और कई बार स्टार लगवा करके भी, बेटा उन बातों पे फोकस करना चालू कर दो क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। कैसे कि सर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो तो सर प्रोटोन का एक्सचेंज नहीं कर सकते, प्रोटोन का आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेटा प्रोटोन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो ये नाभिक के अंदर होते हैं, तो भैया ये इस तरीके से टुच्चे मुच्चे एक्सचेंजेस में काम नहीं लेते, ये काम नहीं आते, क्योंकि अगर ये काम आ गए ना तो तबाही मच जाएगी। सबने न्यूक्लियर वेपन के बारे में तो सुना है ना, तो इन छोटी छोटी रिएक्शन में छोटे छोटे प्रोसेसेस में न्यूक्लियस यानी नाभिक भाग नहीं लेता, तो कौन भाग लेता है इलेक्ट्रॉन, कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो हाँ अब बच्चे क्या पढ़ते हैं अरे फोर्थ ऑप्शन कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो तो चार्ज हो जाएगा, तो दोस्त इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो पॉजिटिव चार्ज भी तो यार हो सकता है ना, ऑफ कोर्स सर, यानी कि सी ऑप्शन क्या है सही है, क्या है सी ऑप्शन सही है। वर्मा सर फैन क्लब जी इनका ऑप्शन बी आ रहा है, नाना दोस्त न्यूट्रॉन कहां होते हैं नाभिक के भीतर न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। अब बेटा यही समझो, अब दोस्तों यही समझो कि टॉपिक कितना सिंपल सा था, लड्डू टॉपिक है, सबको पता है यार ऑब्जेक्ट को आखिर चार्ज कैसे करते हैं, लेकिन चार ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो गए, तो इस कंफ्यूजन से पीछा कब छूटेगा, जब थ्योरी पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, इस बीच में कई सारी जो बातें बताता हूं ना इनको भैया दिमाग में सेट करो, नोट तो करवाता हूं, सारे के सारे जो नोट्स हैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। अब सर क्या सर इन सब को लेकर सर मुझे ऐसे ही सर क्वेश्चन करने सर जो सभी टॉपिक्स पे प्लीज सर 15-20 क्वेश्चन ऐसे दे दो ना, अरे भैया इसी चीज के ऊपर तो सिंकोरी एजुकेशन की टीम दिन रात काम कर रही है। बेटा मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अपने पास जो प्लेटफॉर्म है इसी के ऊपर आप लोगों के भैया ऐसे बेहतरीन जो क्वेश्चंस है वो यहां पर तैयार करवाए जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप लोगों को वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहां पे एक बात समझनी है, क्या सीबीएसई ने या और किसी पब्लिकेशन वाले ने अब तक कोई ऑफिशियल बुक रिलीज नहीं की है, मेरा मानना यह है कि अगले एक या दो वीक में वैसी कोई बुक मार्केट में आ जाए कि आप उस बुक की भी मदद ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो सिंकोरी एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों तुम्हारे साथ खड़ा है। तो करना क्या है, घबराना नहीं है, तो फिर क्या करना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन सर साथ में मस्ती भी करनी है, वरना भैया जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। और आपके इसी चीज का ख्याल रखते हुए सिंकोरी एजुकेशन का यह प्लेटफॉर्म आज के दिन ऐलान करता है जी आप लोगों को जो है वीक में कई बार जो है बड़ी मजेदार सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी, जी हां दोस्तों इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सर जी कैसे, सर क्या स्कूल में बच्चे जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे तो उनको पिकनिक पे नहीं लेके जाते थे, हाँ ताकि जिंदगी में रोमांच भर जाए, मजा आ जाए, अरे रोमांस नहीं रे रोमांच यानी कि मजा आ जाए। तो भैया इसी मजे का ख्याल रखते हुए ऐसी कुछ ना कुछ फैंटास्टिक एक्टिविटीज का भी यहां पर जो है आयोजन जरूर से करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और जी अपने सिलेबस का डिस्कशन। अभी कई
लोगों के पेट में दर्द होगा, सर जी अभी तो आपने टर्म वन के बारे में बताया है, सर जी टर्म टू के बारे में तो बता दो। तो बच्चों टर्म टू में सीधी सी बात है कि भैया जैसा पैटर्न टर्म वन में है वैसा ही टर्म टू में है, यानी कि 35+15 35 नंबर का आपके पेपर और जी वहां भी 15 नंबर के प्रैक्टिकल। लेकिन ध्यान रखना कि अभी तक सीबीएसई के साइड से ऑफिशियल यही नोटिफिकेशन आया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो होगा ऑप्शनल बेस। क्या ऑप्शनल बेस? मतलब कि भाई 4-5 जो भी ऑप्शंस है जैसा क्वेश्चन है उस तरीके से पेपर कंडक्ट होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी, ये डिपेंड करता है कि कोरोना की सिचुएशन कैसी है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि कोरोना को इस धरती से उठा ले, कोरोना को इस धरती से कहीं उठा करके कहीं और ले जाए, इसको खत्म कर दे। लेकिन फिर भी अगर ये आता है तो भैया सीबीएसई आप लोगों का टर्म वन ऑनलाइन भी कंडक्ट करवा सकती है, पेपर कैंसिल नहीं होंगे जी, ध्यान रखना। अब सर टर्म टू क्या होगा? दोस्तों टर्म टू में अभी तक इतना ही पता लगा है कि जो सिलेबस आएगा, देखो सिलेबस तो पहले से पता है लेकिन जो पेपर आएगा पेपर दोस्तों थ्योरेटिकल पेपर ही होगा। और कई बच्चे कयास लगा रहे हैं फिर सर पहला पेपर नवंबर में दूसरा मार्च में। भैया अब तक पहले के बारे में ही कंफर्मेशन है कि नवंबर दिसंबर में होगा, दूसरे के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो भैया वो मार्च के आखिरी में या अप्रैल में या जो सिचुएशन होगी वैसा कंडक्ट करवाया जा सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सिंहकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले तुम लोगों को मिलेगी। तो भैया ये थी आज की क्लास, मैं उम्मीद करता हूं जी आप लोगों को मजा आया होगा। तो भैया चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।